मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। टाइगर श्रॉफ ने कहा, मुझे दिशा पटानी पसंद है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ अक्सर दिशा पटानी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। दोनों की साथ में हमेशा तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। दिशा कभी लंच पर तो कभी डिनर पर टाइगर के साथ नजर आती हैं। हालांकि दोनों ने सफा पर कभी खुलकर अपनी बात सामने नहीं रखी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब टाइगर से दिशा के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया तो टाइगर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, एक एक्टर की जिंदगी में ऐसी खबरें आती रहती हैं। दिशा के मामले में लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है, लोगों को एक्टर्स की निजी जिंदगी के बारे में जानने का क्रेज रहता है। मुझे दिशा की कंपनी अच्छी लगती है और हम साथ में खूब मजे करते हैं। ऐसी खबरों से हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नाम हुआ फाइनल। अब एक नई जोड़ी बनने जा रही है। तूफानी कमाई करने वाली ये जोड़ी है अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे। फिल्म का नाम है सूर्यवंशी। फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म की खास बात यह होगी कि इस फिल्म में अजय देवगन और रणवीर सिंह गेस्ट अपीयरेंस भी देंगे। फिल्म सूर्यवंशी अप्रैल में शुरू होगी। वैसे ये बड़ा सरप्राइज नहीं है, इसका संकेत पहले ही दे दिया गया था। शुक्रवार को रिलीज हुई रोहित शेट्टी की रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा में अक्षय कुमार ने भी गेस्ट अपीयरेंस किया है, जिसमें उनका नाम वीर सूर्यवंशी है और वहीं से इस नई फिल्म का नाम तय किया गया है। दीपिका रणवीर ने 4 साल पहले ही कर ली थी सगाई। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ 14 और 15 नवंबर को इटली के लेक कोमो में कोंकणी और सिंधी रीति रिवाज से शादी की थी। शादी के बाद दोनों खबरों में छाए रहे। इसी बीच खबर है कि दीपिका ने अपनी सगाई को लेकर खुलासा किया, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। एक इंटरव्यू में दीपिका ने बताया कि उन्होंने और रणवीर ने शादी के 4 साल पहले ही सगाई कर ली थी। मतलब इतने सालों से दीपिका और रणवीर एक दूसरे से एंगेज थे, लेकिन उन्होंने इस बात की खबर किसी को नहीं लगने दी। आपको बता दें कि शादी के बाद दीपिका अपनी लाइफ और रणवीर सिंह को लेकर अब तक कई खुलासे कर चुकी हैं। इससे पहले दीपिका ने रणवीर के साथ अपनी पहली डेट को लेकर खुलासा किया था। वहीं अपनी शादी के समय हो रहे सिंदूर दान को लेकर अपनी फीलिंग शेयर की थी। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो आजकल रणवीर सिंह अपनी वाइफ दीपिका की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सुष्मिता सेन की फैमिली फोटो में एक बार फिर दिखे बॉयफ्रेंड रोहमन। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और उनके बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के बीच करीबियां वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर आई एक तस्वीर में वो रोहमन को अपने परिवार के साथ मिलाती नजर आ रही हैं। सुष्मिता अभी अपने पूरे परिवार के साथ जयपुर में मौजूद हैं। उनके साथ उनके माता पिता, बेटियां रेने और एलिजा व भाई राजीव सेन मौजूद हैं। उनके पूरे परिवार के साथ बॉयफ्रेंड रोहमन भी हैं। सुष्मिता सेन और रोहमन इस वक्त फिल्म बाहुबली 2 के निर्देशक SS राजामौली के बेटे SS कार्तिकेय की शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। कार्तिकेय की शादी पूजा प्रसाद से हो रही है। पूजा रिश्ते में सुष्मिता सेन की कजिन लगती हैं। उन्होंने ये तस्वीरें अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की हैं। इस वजह से बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचे थे शाहरुख और आमिर। 27 दिसंबर को सलमान खान ने मुंबई स्थित पनवेल के फार्म हाउस में अपना 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। दबंग खान की पार्टी में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए थे, लेकिन एक्टर के जिगरी दोस्त शाहरुख खान और आमिर खान पार्टी में नजर नहीं आए। अब मीडिया में दोनों की गैर हाजिरी की वजह सामने आई है। चर्चा है कि दोनों ही अपने कामों में बिजी होने के कारण सलमान खान के बर्थडे बैश में शामिल नहीं हो पाए थे। आमिर खान इन दिनों चीन में हैं, वो सेंट्रल एशियन कंट्री में फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर सलमान खान को बर्थडे विश किया था। वहीं शाहरुख खान अपनी हालिया रिलीज जीरो के प्रमोशन में बिजी हैं। इस सिलसिले में उन्हें डायरेक्टर आनंद एल राय के साथ पटना जाना पड़ा, जहां दोनों को भोजपुरी एक्टर रवि किशन के साथ टॉक शो में मेहमान बनना था। जसलीन मथारू का कातिलाना अंदाज। बिग बॉस 12 की एक्स और सबसे चर्चित कंटेस्टेंट जसलीन मथारू ने शो में काफी सुर्खियां बटोरी थी। 65 साल के भजन गायक अनूप जलोटा से रिलेशनशिप फिर ब्रेकअप ने जसलीन को हाईलाइट कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया गया था। शो के दौरान जसलीन और अनूप जलोटा के बीच अफेयर की खूब अफवाहें उड़ी थी। शो से बाहर आने पर खुद अनूप ने इस रिश्ते पर सफाई देते हुए कहा कि ये सब उन्होंने शो के मेकर्स के कहने पर किया था, किसी भी बात में कोई सच्चाई नहीं थी। बता दें, शो की शुरुआत में बिग बॉस की TRP बढ़ाने के लिए जमकर झूठ बोला गया था। अनूप जलोटा ये कहने से भी पीछे नहीं हटे कि वो जसलीन से प्यार करते हैं। वहीं जसलीन ने भी चर्चाएं बटोरने से अनूप जलोटा से प्यार को खूब प्रचारित किया। जसलीन इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ बेहद हॉट तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं। 2019 में बॉलीवुड स्टार के ये बच्चे करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू।
चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे साल 2019 में करण जौहर की फिल्म से शुरुआत करने जा रही हैं। करण अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अनन्या को डेब्यू कराएंगे। सनी देओल का बेटा करण देओल फिल्म पल पल दिल के पास से अपने करियर की शुरुआत करेगा। अभिनेत्री नूतन की पोती और मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन बहल भी साल 2019 में अपनी करियर को उड़ान दे सकती हैं। अमरीश पुरी का पोता वर्धन पुरी भी फिल्मों में डेब्यू के लिए तैयार है। खबर है कि वर्धन को तकरीबन 2 फिल्मों के लिए अब तक अप्रोच भी किया जा चुका है। श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं। जानवी की बहन साल 2019 में उन्हीं के लिए कॉम्पिटिशन बनकर आ सकती हैं। फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ दिखेंगे टीना सिंह। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह की काफी समय से चर्चा है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में शाहिद के साथ कियारा आडवाणी के अलावा नई एक्ट्रेस टीना सिंह भी दिखाई देंगी। खबरों की माने तो टीना ने शाहिद के साथ अपनी इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। जब टीना से शाहिद के काम करने के अनुभव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, शाहिद के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा। फिल्म के डायरेक्टर संदीप ने मुझे ओरिजिनल फिल्म दिखाई थी, हालांकि उन्होंने मुझे फिल्म में काम करने की पूरी आज़ादी दी थी। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, दिल्ली और मसूरी में होगी। फिल्म में शाहिद के 4 अलग अलग लुक होंगे। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।